बेटा आज की क्लास का अपना मुद्दा क्या आपको थोड़ा पहले डिस्कस करता हूं। देखिए भाई, अब ये हमारी एक हिसाब से आज आपके साथ ऑफिशियली लास्ट क्लास है फॉर प्लस टू बोर्ड्स। ठीक है, ओके, विल मिस यू टू बेटा। अभी क्या भाई आपको बताता हूं, ऑफिशियली आपके साथ लास्ट क्लास। हाँ, अनऑफिशियली किसी को कोई प्रॉब्लम्स वगैरह होगी, दैट पर्सन इज मोस्ट वेलकम, बट ऑफिशियली ये मेरी लास्ट क्लास आप लोगों के साथ है। ये भी अच्छा क्वेश्चन, फेयरवेल कब है बेटा? फेयरवेल उसको दी जाती है जो जाके वापस नहीं आते। मैं अभी आगे बहुत कुछ पढ़ाता हूं, मैं चाहता हूं आओ, इसीलिए मैं आपको फेयरवेल नहीं दूंगा। ओके, लुक हियर, अब अगर हम बात कर रहे हैं, बच्चा फटाफट सुन लीजिए और इसको ना लिख लेना। चलिए झोंक से पार्ट, अब सारे बच्चे इसको लिख लें। हमारे तीन बोर्ड्स हैं, सीबीएसई, पीएसईबी, एनआईएसई। अब तीनों बोर्ड्स के जो बच्चे हैं, सबसे पहले अकाउंट्स का रिवीजन कैसे स्टार्ट करेंगे? भाई हमारा आज का पहले मुद्दा ये, मैं आपको बता दूं, आप सारे सब्जेक्ट की रिवीजन कैसे स्टार्ट करोगे, अकाउंट्स की रिवीजन करनी कैसे, पहले कौन सा चैप्टर, बाद में कौन से चैप्टर को कैसे अटेम्प्ट करना है, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। सबसे पहले अकाउंट्स के पूरे सब्जेक्ट को, आप कोई भी बोर्ड्स हो, आप उसको तीन हिस्सों में बांट लो। आप इसका फर्स्ट पार्ट लेंगे, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आप लोग यहां पर अपना डिवाइड करेंगे पार्टनरशिप सारा। बेटा जो इंटायर पार्टनरशिप है वो हमारा सारा फर्स्ट पार्ट में आता है, एक बार सुन लेना प्लीज। सेकेंड पार्ट कंपनी अकाउंट्स, अच्छा पार्टनरशिप के साथ एनपीओ साथ में, कंपनी अकाउंट्स जिसमें शेयर्स और डिबेंचर साथ में आता है, एंड थर्ड पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ मेन चैप्टर्स है सीएफएस, रेशियोस एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ये तीन मेन चैप्टर्स होंगे हमारे, ये हमारे सिलेबस के तीन पार्ट्स हैं। अभी अब हम लोगों ने इसको पढ़ना कैसे शुरू करना है, मैं बच्चों को सलाह क्या देता हूं भाई, सबसे पहले जब आप रिवीजन शुरू करते हैं, स्टेप वन, बड़ा प्लीज चुप रहे, ऑलवेज स्टार्ट विथ सीएफएस। अब थोड़ा सा हैरान होगे सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट से स्टार्ट करें? हां जी, रिवीजन स्टार्ट करनी है सीएफएस के साथ स्टार्ट करो, आपको रीजन बताता हूं क्यों। सीएफएस इज वेरी वेरी स्कोरिंग इन द एग्जाम्स, इट्स वेरी वेरी स्कोरिंग इन द एग्जाम्स गाइस। तो बच्चे आपको एक बात बताता हूं, रिवीजन अपनी सीएफएस के साथ स्टार्ट करें। मैं रिवीजन की बात कर रहा हूं, पेपर को अटेम्प्ट करने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं रिवीजन की। पहले सीएफएस, उसके बाद रेशियोस, उसके बाद कंपैरेटिव। आप इस पैटर्न में रिवीजन स्टार्ट करें। अच्छा, कंपैरेटिव के साथ आपको याद होगा एक छोटा सा चैप्टर होता था जिसमें आपको बैलेंस शीट के हेड्स बताने होते थे, ये चैप्टर आप लास्ट में करें। ऑलवेज स्टार्ट योर रिवीजन विद सीएफएस, आई रिपीट, ऑलवेज स्टार्ट योर रिवीजन विद सीएफएस। ओके, अब इसको रिवाइज कैसे करना है भाई? रिवाइज करने के लिए आपको तीन चीजें फॉलो करनी है। स्टेप वन के अंदर तीन पार्ट्स हैं। सबसे पहले सपोज आप एक सीएफएस रिवाइज कर रहे हो, बच्चे क्लास नोट्स कवर करो,
क्लास नोट्स जरूर कवर करिए अपने। अगर आपके पास क्लास नोट्स नहीं है, कुछ बच्चे कहते हैं सर क्लास नोट्स नहीं है, मैं आपको एक सारे बच्चों को फैसिलिटी दे रहा हूं, आप अपने घर जाके नोट्स चेक कर लो। अगर आप कहते हो क्लास नोट्स नहीं है तो मैं आपको ICF ऐप में क्लास नोट्स डाल दूंगा, आप वो क्लास नोट्स अपने पास सेव कर सकोगे, आपके फोन पे नोट्स होंगे। अगर आपके पास नोट्स गुम गए इस लेवल पर आकर तो ठीक है, तो अगर बच्चे मुझे कोई मैसेज करेगा कि सर मेरे पास क्लास नोट्स इस चैप्टर के नहीं है, तो वो मैं आपको ऐप पे डाल दूंगा। दूसरी बात, क्लास नोट्स के बाद आपने ICM बुक की, याद रखना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, बट नाउ इट इज नॉट द टाइम टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, इट इज नॉट द टाइम टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। क्लास नोट रिवाइज करके याद रखो, ICM बुक के लास्ट 10 क्वेश्चंस रिवाइज कर ले, सारा चैप्टर कवर हो जाएगा। CFS रेशियोस के ICM वाली बुक के लास्ट 10 क्वेश्चंस रिवाइज कर ले, आपका सारा सारा चैप्टर उसमें कवर हो जाएगा। आप देखोगे मैं हर बुक के लास्ट में मिसलेनियस क्वेश्चंस डालता था, वो आपके कवर होंगे। तीसरी बात, बच्चे ना थ्योरी में गड़बड़ करेंगे, थ्योरी के लिए आप ICM बुक जरूर पढ़ेंगे। जितने भी CBSE और ISE वाले बच्चे हैं वो थ्योरी ICM बुक से करें, और जितने भी PSEB वाले बच्चे हैं उन लोगों को मैंने एक बुक बोली हुई है फाइनल टच, वो थ्योरी वहीं से कर लें, उनके लिए सफिशिएंट है। CBSE और ISE वाले बच्चे बेटा थ्योरी ICM वाली बुक से करें, और जो हमारे पास जो PSEB वाले बच्चे हैं वो अपना फाइनल टच से थ्योरी करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, मोर ओवर, जब आपने ये सारा कुछ कवर कर लिया, आप सोचते हो हमारा लाइक सर सारा क्वेश्चन हो जाएंगे, यस, मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, इसके बाद आप एक पकड़े सैंपल पेपर, मैं अभी सिर्फ एक पार्ट की बात कर रहा हूं। सैंपल पेपर में से जब आपने ये 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हर चैप्टर से, ये कब करना है सैंपल पेपर, CFS रेशियोस कंपैरेटिव सारा करने के बाद, सैंपल पेपर में से जो हमारे पास उसमें सेक्शन बी होता है उसको सॉल्व करके देख ले, ठीक है, ये जरूर करके देखें। कोई भी पेपर पकड़ लीजिए। अब आपको एक चीज और बताता हूं, आप लोग पता नहीं सारे ग्रुप में एक्टिव है कि नहीं, मैं आप लोगों को ऐप के अंदर एक पेपर भेजता हूं। मैंने आपको एक सैंपल पेपर 11 भेजा था, कितने बच्चों ने उसको सॉल्व करा, किसी ने करा? बच्चा अब मैं यहां पर आपको कंप्यूटर या फोन तो सिखाने से रहा, मैंने यहां पर आप लोगों को पेपर भेजा था, कुछ बच्चों ने सॉल्व करा या नहीं करा मुझे नहीं पता, जिनका शो नहीं होता वो मुझसे एक बार अपने फोन दिखा देना, उसको करेक्ट कर दूंगा, आप कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे। मैंने एक पेपर 11 भेजा था, उस पेपर के हर क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस थी, आप नोटिस करोगे। मैं आपको सारे पेपर नहीं भेज रहा, मैं सिर्फ कुछ पेपर्स आपको भेजूंगा, वो पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी था, ठीक है, उसकी आंसर की साथ में भेजी थी मैंने, बच्चों ने सॉल्व नहीं करा होगा। मोर ओवर, जो हमारे CBSE वाले बच्चे हैं मैंने उन लोगों के लिए एक और फैसिलिटी दी है MCQ सॉल्व करने की, मैंने MCQ ऑनलाइन आपको कर दिए। मैंने 15 क्वेश्चन भेजे थे पार्टनरशिप और NPO के, कितने लोगों ने अटेम्प्ट करे, वो आज 3 बजे तक एक्सपायर हो चुके थे, ठीक है, जितने बच्चों ने अटेम्प्ट करे आपको पता लगेगा। मैं आपको धीरे धीरे हर चैप्टर के MCQ ऑनलाइन भेज दूंगा आपके अंदर, अब मुझे यह मत कहना कि वो भी शो नहीं होता, टेस्ट वाले सेक्शन में जाओगे आप घर बैठे बैठे 15 क्वेश्चन करने में, आपको MCQ प्रैक्टिस करने में 15 सेकंड लगेंगे। मैंने सिर्फ CBSE वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिकली ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर दिया, आप सारे MCQ घर बैठे बैठे प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको 15 क्वेश्चन करने में मैक्सिमम 15 सेकंड या 1 मिनट लगेगा, आपको सिर्फ उसमें क्लिक करना है, एंड डोंट टेल मी आपके पास इतना टाइम नहीं, आप उसको भेजो, मैं आपको उसका रिजल्ट आपको भेज दूंगा इमीडिएटली, कितने करेक्ट है कितने रॉन्ग है। अब मैं ये आपको रेगुलर बेसिस पे, बिकॉज अब आप सारे बच्चे क्या होंगे, आप अपने बाकी एग्जाम्स में बिजी हो जाएंगे, तो हमारा इन टच रहने का एक बहुत अच्छा जरिया है ये। तो मैं आपको नेक्स्ट हर चैप्टर के एक एक करके MCQ डालता जाऊंगा, हर MCQ अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 क्वेश्चन का होगा, उसको अटेम्प्ट जरूर करें, और ग्रुप में एक्टिव रहे, जो हमारा टेलीग्राम वाला ग्रुप है उसमें एक्टिव रहे, आई विल बी पुटिंग अप लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू पीपल।
बेटा मैं कहता रहा हूं मैं साथ में डालूंगा सॉल्यूशन आपको तब नजर आएंगे जब टेस्ट एक्सपायर हो जाएगा टेस्ट की एक्सपायरी होगी एक सपोज जैसे जनवरी 25 दोपहर को 3 बजे उसकी एक्सपायरी होनी थी उसके बाद ही आपको उसका रिजल्ट नजर आएगा कि आपके कितने राइट है कितने रॉन्ग है बच्चे सारे एक्टिव रहे थोड़ा सा प्लीज इफ आई एम गिविंग यू ऑल दिस फैसिलिटी यू शुड यूटिलाइज इट बड़ा जो क्वेश्चन डाउट आता है ना आपने सिर्फ इतना करना है कि इस क्वेश्चन को टाइप करके ग्रुप में डाल देना उसका करेक्ट आंसर आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा मैंने वही कह रहा हूं जो क्वेश्चन होगा आप मार्क करोगे जो आपको नहीं आ रहा बाय चांस आप ये भी कर सकते हो कि आप अनाउंसमेंट या आप उसमें देखोगे एक मैसेज का चैट का एक ऑप्शन आता है आप चैट में वो क्वेश्चन डाल दो मैं आपको उसका आंसर भेज दूंगा बड़ा आप लोग बड़ा अटेम्प्ट करो बिकॉज मैं ये चीजें क्यों कर रहा हूं कि बच्चे जो है बार बार आना जाना उनका ट्यूशन में आना जाने का टाइम बच जाएगा ठीक है गाइस अब एक पार्ट तो हमारा ये हो गया कि हम लोगों ने सीएफएस रेशियोस कंपैरेटिव रिवाइज करने सबसे ज्यादा वेटेज सीएफएस को देना उसके बाद रेशियोस उसके बाद कंपैरेटिव और लास्ट में बैलेंस शीट वाला हेड और ये सारे बच्चे समझ गए भाई इस तरीके से प्रैक्टिस करने आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छा मैं दोबारा से बोल रहा हूं आई बी सेंडिंग यू अगेन सम मोर सैम्पल पेपर्स विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज मेक इट अ पॉइंट दैट यू आर सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस क्योंकि उसमें से क्लिक करेगा आई गारंटी यू उसमें से अकाउंट्स का पेपर क्लिक करेगा चाहे पंजाब बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो चाहे आईसीओ पेपर क्लिक करेगा उसके अंदर से बिकॉज मैं बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस भेजूंगा आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप टू ना बच्चे रिवाइज करें पार्टनरशिप अच्छा अब सर पार्टनरशिप में क्या रिवाइज करें पहले किसको स्टार्ट करें पार्टनरशिप तो बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा सबसे पहले मोस्ट स्कोरिंग इज डिसोल्यूशन स्टार्ट डिसोल्यूशन से करो सबसे पहले डिसोल्यूशन स्टार्ट करो अगर आप मेरी सलाह मानो तो स्टार्ट डिसोल्यूशन के साथ करें अच्छा उसके बाद सेकेंड Jump to fundamentals. Sir, dissolution के बाद fundamentals. Yes. Fundamentals क्यों करना पड़ेगा? Fundamental करने के लिए आपको सिर्फ इसकी requirement होगी कि आपको fundamental करना पड़ेगा ताकि आपको partners capital के format आ जाए याद और अगर आपको वो याद आ जाते हैं तो आप वहां पर अपना सारा admission और retirement पे stress दे सकेंगे अच्छा अब अगर मान लीजिए for example मैं एक चीज और करने जा रहा हूं मैंने बच्चों को पहले भी कहा था बच्चे सब सिर्फ मेरे साथ इन टच रहो आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी बट वी विल बी इन टच आपको बताता हूं आप सिर्फ मुझे बोल दो सर ये पर्टिकुलर लेक्चर मुझे याद नहीं आ रहा यह टॉपिक मुझे याद नहीं आ रहा मैं उसका लेक्चर आपको ऐप में डाल दूंगा आप वो लेक्चर देखकर घर बैठकर ही आपको याद आ जाएगा सारा टॉपिक आई पुट दैट स्पेसिफिक लेक्चर इन टू द ऐप गाइस मैंने इसीलिए थोड़ा सा इस चीज को डेवलप करा मैं बार बार आपको कह रहा हूं आई पुट दैट लेक्चर इनटू द ऐप तो आपको लेक्चर देख के याद आ जाएगा मान लो एक बच्चे को एक बड़े क्वेश्चन में प्रॉब्लम है यू हैव टू सेंड मी दैट क्वेश्चन आई सॉल्व द क्वेश्चन थ्रू अ वीडियो एंड सेंड यू इन द ऐप अब वो घर बैठे बैठे देख लोगे इसका सोल्यूशन सो वी विल बी इन टच मेरी बात समझते जाइए अब जैसे फंडामेंटल्स के जो टॉपिक है जो मेन टॉपिक आपको रिवाइज करने चाहिए वो करना चाहिए पास्ट एडजस्टमेंट्स और गारंटी बट एक मिनट पंजाब बोर्ड वाले नहीं ये सिर्फ सीबीएसई और आईएससी वालों के लिए पंजाब बोर्ड वाले क्या करेंगे पंजाब बोर्ड वाले सिर्फ जो स्टार्टिंग के पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल के सम है खाली उसी को रिवाइज करेंगे बस और सीबीएसई वाले सबसे ज्यादा स्ट्रेस इसी टॉपिक पे दें पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी पंजाब बोर्ड वाले पास्ट एडजस्टमेंट गारंटी नहीं करेंगे उनके सिलेबस के बाहर है उन लोग सिर्फ करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल दैट्स इट और कुछ नहीं करेंगे वो ओके उसके बाद थर्ड गाइस थर्ड के अंदर आ जाएगा सीधा अपने पास गुडविल का चैप्टर और चेंज इन रेशियो ये चैप्टर इकट्ठा कर लो गुडविल एंड चेंज इन रेशियो इसमें से मैं आपको बता दूं भाई जो पीएसईबी वाले बंदे हैं वो सिर्फ गुडविल पे फोकस करें पीएसईबी वाले बंदे जो हैं वो इस चैप्टर को इग्नोर कर सकते
चेंज इन रेशियो को, उनमें से इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन उनको आता नहीं है, बट जो हमारे सीबीएसई आईएससी हैं वो ये दोनों चैप्टर करेंगे अच्छे तरीके से। पीएससीबी वाले चेंज इन रेशियो का चैप्टर इग्नोर कर सकते हैं, दे विल ओनली फोकस ऑन गुडविल। अब एक बात और समझिए सर, हम लोगों ने गुडविल के तो चलो मेथड सारे करने ही होते, चेंज इन रेशियो से क्या करें हम लोग, चेंज इन रेशियो से कौन सा टॉपिक करें? बेटा डब्ल्यू सी आर एंड आईएफएफ की एंट्रीज अच्छी तरह करो, इस बार आने के चांसेस हैं। दिस इज ओनली फॉर सीबीएसई एंड आईएससी। आपको याद होगा डब्ल्यू सी आर और आईएफएफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की एंट्रीज होती थी उसके अंदर, अगर बच्चों को याद हो तो उसको अच्छी तरह करना, ठीक है। और इस बार मैं आपको बता दूं, इस बार जो हमारा पैटर्न चलता है इसकी एंट्रीज के ऊपर एक प्रॉपर आपको जनरल एंट्री का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप इसको जरा फोकस करके करेंगे भाई। चौथा, द फोर्थ द लास्ट वन इज एडमिशन एंड रिटायरमेंट। आई विल कंसिडर दिस एज वन चैप्टर, इसको अच्छी तरीके से करना है। याद रखें पूरे पार्टनरशिप में सबसे ज्यादा भाई हाई वेटेज है इसके अंदर, हाईएस्ट वेटेज। अच्छा कुछ डकल लोग क्या करते हैं, बोलते हैं सर हम एडमिशन कर लें रिटायरमेंट छोड़ दें, बेवकूफ है। माना मुझे ऑप्शंस में क्वेश्चन आते हैं, बट कई बार क्या होगा एडमिशन का ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपसे अटेम्प्ट नहीं होगा, रिटायरमेंट का इजी आ जाएगा। सो डोंट डू दिस, ठीक है। अब आप लोग एक चीज और बताता हूं, एडमिशन और रिटायरमेंट के आईसीएम वाली बुक के लास्ट 15 क्वेश्चन जरूर करें, लास्ट के 15 क्वेश्चन। आप देखोगे मैंने बुक के सबसे जो गंदे क्वेश्चन है वो लास्ट पे डाले हुए, लास्ट के 15 क्वेश्चन जरूर करें, लास्ट के 15 क्वेश्चन। अच्छा और अब सीबीएसई और आईएससी वाले बच्चे, आप देखोगे मेरी किताब में मिसिंग फिगर क्वेश्चन है, सॉरी नॉट आईएससी ओनली सीबीएसई, मिसिंग फिगर क्वेश्चन है, बड़ा ऊपर चले जाओ, मिसिंग फिगर क्वेश्चन जो है ना उसको जरूर करना है आपने एडमिशन रिटायरमेंट के अंदर। मिसिंग फिगर एक आता है, याद रखें एक मिसिंग फिगर आपको आ सकता है फंडामेंटल से, ये सिर्फ सीबीएसई वाले बच्चों के लिए। तो मिसिंग फिगर क्वेश्चन इन दो चैप्टर के जरूर करें, एक इसका और एक इसका एडमिशन रिटायरमेंट का। और काका जी फिर से मैं बोलूंगा, थ्योरी फॉर सीबीएसई एंड आईएससी, मैं दोबारा से बोलूंगा बेटा, थ्योरी सीबीएसई और आईएससी के लिए आप लोगों ने जितना भी पार्टनरशिप वाला पार्ट है उसको करना है आईसीएम वाली बुक से विद एमसीक्यू। एमसीक्यू कवर कर लेना भाई सीबीएसई वाले बच्चे, आईसीएम वाली बुक को अच्छी तरह चाट जाना, मैं बार बार कह रहा हूं, यस अच्छी तरह चाट जाना बेटा उसको, सुखी रहोगे, ठीक है। क्योंकि थ्योरी और एमसीक्यू उसके बाहर से आपको नहीं आएगा, आई एम गिविंग यू दिस अश्योरेंस। आपको चार चार किताबें फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके भाई ये हो गया हमारा पार्टनरशिप वाला पार्ट, उसके बाद स्टेप थ्री बेटा रिटायरमेंट डेथ एक ही चैप्टर माना जाता है, पहले से बोल देता हूं। चलो मैं आपको एक काम करता हूं, ये भी बता देता हूं थोड़ा और डिटेल में बच्चों को बता देता हूं कि एडमिशन से कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा एडमिशन के अंदर आप एक तो जो गुडविल वाली एंट्रीज के छोटे क्वेश्चन होते हैं उस पर स्ट्रेस दें, छोटे क्वेश्चन गुडविल वाली एंट्रीज के छोटे क्वेश्चन, ठीक है, याद है गुडविल वाली एंट्रीज के छोटे क्वेश्चन उस पर जरूर स्ट्रेस दें। उसके बाद सर कौन से थे, जब न्यू पार्टनर कैपिटल कैश में ला रहा है गुडविल कैश में ला रहा है, या न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला रहा, ठीक है, तो अपने पास ये छोटे क्वेश्चन होते थे। सेकेंडली
आपको बता दूं एडमिशन के अंदर फोकस करो सीधा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले क्वेश्चन से, क्योंकि आपको आना वही है, बड़े क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के ही क्वेश्चन आने, फालतू छोटे छोटे क्वेश्चन करके टाइम पास मत करो। रिटायरमेंट के अंदर, रिटायरमेंट में आप सीधा करिए रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस। आपको बता दूं रिटायरमेंट के अंदर से थोड़ा सा गुडविल की एंट्रीज के क्वेश्चन कम आते होते हैं, बिकॉज में गुडविल के केस कम होते हैं, इसलिए आप ज्यादा फोकस करें जिसमें क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट बनता है, और साथ ही साथ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स वाले क्वेश्चन। आप लोगों अगर याद होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले क्वेश्चन जो है उसमें एक पॉइंट होता था, अगर थोड़ा बच्चे याद करें तो, व्हेन न्यू कैश बैलेंस इज गिवन, याद है, जब आपको नया कैश बैलेंस गिवन होता था एक ये पॉइंट होता था, ये न्यू कैश बैलेंस वाले क्वेश्चन सारे बच्चे अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि न्यू कैश बैलेंस वाला क्वेश्चन जो है पिछले दो सालों से किसी भी बोर्ड में नहीं आया और इस बार आने का चांस है। लास्ट टू ईयर से किसी भी, आप देखोगे पिछले दो साल के बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आया, उसके पहले आया हुआ, और वो हर दो साल बाद वो क्वेश्चन रिपीट होता है, जिसमें आपको वहां पर सब में लिखा होता नीचे लास्ट में 1000 रुपया कैश बैलेंस मेंटेन करना है, 10,000 कैश बैलेंस मेंटेन करना है, तो वो आप जरूर क्वेश्चन अच्छी तरह करके जाना रिटायरमेंट के अंदर। अच्छा, अब बच्चे कह रहे सर डेथ, डेथ अलग चैप्टर नहीं बड़ा, रिटायरमेंट का पार्ट है। डेथ के अंदर आप एक काम करेंगे, डेथ में आप सिर्फ जो डिसीज पार्टनर वाले कैपिटल वाले क्वेश्चन होते हैं उसको फोकस करें, जो डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसी पर फोकस करना सारे बच्चे भाई, जिसमें आपको सिर्फ उसका एग्जीक्यूटर का शेयर निकालना होता था। अच्छा, अब एक चीज और, एक आपको याद होगा इसमें टॉपिक बहुत तंग करता था, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, याद है, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, फॉर दिस सेशन इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, फाइन, बट ये नहीं कि इसको छोड़ के जाना है। उसका एक याद होगा बच्चों को, राम मोहन सोन वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ, आप खाली उस एक क्वेश्चन को अच्छी तरह रिवाइज कर जाना। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, जो लोन अकाउंट वाला फंडा है इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर दिस सेशन, आई एग्री विद दिस, बट आप लोन अकाउंट वाले फंडे को आप सिर्फ वो जो एक क्वेश्चन जो क्लास के नोट्स में है, जिसमें मैं 3 months 9 months लेता था, अगर बच्चे याद करें वो वन क्वेश्चन क्लास नोट से अच्छी तरह रिवाइज कर जा। भाई ये अपना तीसरा स्टेप कवर हो गया, पार्टनरशिप का सारा पार्ट कवर। ओके, अब आ जाइए सर, थर्ड हमें क्या रिवाइज करना चाहिए, थर्ड करना चाहिए एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। भाई एनपीओ को ना आप हमेशा दो सेक्शंस में डिवाइड करें। अच्छा, अब मैं आपको बार बार नहीं बोल रहा कि रिवाइज कैसे करना है, रिवाइज कैसे करना है, अभी पहले क्लास नोट्स, फिर आईसीएम वाली बुक की प्रॉब्लम्स, और उसके बाद थ्योरी, सारे बच्चे समझ गए, और हर टॉपिक के बाद अपने आप को टेस्टिफाई जरूर करना विद सैंपल पेपर्स। गाइस, अब जैसे पार्ट भी आपने सॉल्व करा, पार्टनरशिप के क्वेश्चन और एनपीओ के क्वेश्चन जब आप करोगे वो पार्ट ए से आएंगे, तो वो जब मैं आपको एक बार पार्ट ए कवर कर लेता हूं उसमें फिर बताता हूं। तो एनपीओ आप एक बार जब कवर करेंगे, एनपीओ में आपके पास एक आते हैं स्मॉल प्रॉब्लम्स। सर स्मॉल प्रॉब्लम्स कौन सी, सबसे फेवरेट याद है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना हमारे लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंस रहेगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस में आएगा भाई, चाहे आप सीबीएसई हो, चाहे पंजाब बोर्ड हो, ठीक है, और चाहे आईएससी हो, आईएससी में एनपीओ है नहीं, तो आईएससी वालों के लिए है नहीं, ये सीबीएसई और पंजाब बोर्ड वाले फोकस करेंगे। इसमें क्या फंडा है कि अगर आप सपोज कर लीजिए जितने भी छोटे प्रॉब्लम्स हैं वो आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट के कवर करने, और एक आपको याद होगा बार बार एक क्वेश्चन आता था स्टेशनरी कंज्यूम निकालो, जिसमें आपको एक क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ता था, और उसके बाद आप फॉर्मूला यूज करते थे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके फॉर्मूला यूज करते थे। तो ये बातें याद रखिएगा कि आपको ये दो चीजें जरूर फॉलो करनी है, ये स्मॉल प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपने इसको डेफिनेटली करना है, ठीक है। अब सर ये कहां से करनी है, बच्चा ये आपको बता दूं,
आईसीएम वाली बुक के अंदर जो पहले फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट 10 से 12 क्वेश्चन, वो सारे स्मॉल प्रॉब्लम्स हैं। आप नोटिस करोगे पहले 10 से 12 क्वेश्चन सारे स्मॉल, आप वहीं से रिवाइज कर सकते हो। उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रिवाइज कर लो, फर्स्ट 10 टू 12 क्वेश्चंस। उसके बाद अब आते हैं बिग शॉट क्वेश्चंस एनपीओ के। अब आपको एक बात बता दूं, दोनों आएंगे पेपर में। अच्छा, इस बार के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा लगता है? बेटा ये सिर्फ एक गेस वर्क बता रहा हूं, कल को नहीं आएगा तो गाली देगा तूने ऐसा कहा था ऐसे नहीं आया, ऐसा नहीं करना। ये जितना भी है मेरा एस्टिमेशन होता है, ठीक है, और 90% क्लिक करता है भगवान की दया से। अभी सुनिए इसमें क्या है, क्या अगर इस बार 100% होएगा, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर किसी बच्चे के मार्क्स मुक्स आ जाते हैं ना, नॉर्मली हमारी मेहनत है, हमारी मेहनत से आए हैं, उसने क्या पढ़ाया। अच्छा, अगर नहीं आए, उस कमीने ने ऐसा नहीं पढ़ाया इसलिए मार्क्स नहीं आए, सारी गलती टीचर की। चलो कोई बात नहीं, सुना भाई, बिग शॉट क्वेश्चंस में आपने कौन से क्वेश्चन पहले फोकस करके करने हैं। अगर बच्चे याद करें, एक क्वेश्चन होता था जिसमें इन्वेस्टमेंट्स हम लोग निकालते थे, बच्चों को याद आएगा धीरे धीरे, जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते थे और जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बड़े प्यार से ऐसे ऐसे लिखा होता था, उसमें ना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एडवांस सारा कुछ लिखा होता था, उसमें इन्वेस्टमेंट पिछले साल की गिवन होती थी, वो हम निकालते थे। याद करो, वो क्वेश्चन आपने जरूर करना है, वो क्वेश्चन आपने जरूर करना है, याद रखना, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या करेंगे, एनपीओ के अंदर आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जहां बोलेगा सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट मत बनाओ, उसमें होशियारी मत मानना, जहां पर बैलेंस शीट नहीं बनाने को बोला होगा मत बनाना, ठीक है। एक्स्ट्रा कार्यक्रम पेश करने की जरूरत नहीं है, अपनी नॉलेज नहीं दिखानी वहां पर, हो सकता है बैलेंस शीट मैच ही ना करे क्योंकि इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होगी। तो अकेले इस बार चांस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का भी अकेला क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा सा क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, तो बच्चे उसमें फोकस करेंगे। बच्चे वही करेंगे लास्ट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम आईसीएम बुक, याद रखना लास्ट 10, पिछले 10 वो जरूर प्रैक्टिस करें, आपके बड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे सारे एनपीओ के। गाइस, मैंने आपको आज ग्रुप में, मतलब अपने ऐप के अंदर एक दो क्वेश्चंस, मैंने एक पेपर मैंने सेलेक्ट करा हुआ है उसके डालूंगा, उसमें जैसे एनपीओ के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं मेरे सामने ही है इस टाइम पे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं उसके अंदर। अब जैसे ये छोटा क्वेश्चन अपने को आया हुआ है पेपर के अंदर, ये अपना मॉक टेस्ट पेपर है, 3 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है आपको, ठीक है। मैं आपको एक थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं, आप मेरे साथ क्वेश्चन थोड़ा सा रफ पैटर्न में लिख लें, क्वेश्चन इजी है बट जस्ट एक रिविजन हो जाएगी बच्चों की। जैसे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपको गिवन है अप्रैल 18 में 3000, आपको क्रेडिटर्स गिवन है स्टेशनरी का अप्रैल 18 में 2000। मैं ये पूरा पेपर आज डाल दूंगा, आई बी पुटिंग अप दिस कंप्लीट पेपर। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी फॉर 1718 इज 200, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी 1819 इट्स 12000। उसके बाद आपको नीचे लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31st March 2019 ये दिया 500, क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31st March 2019 4300। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी फॉर 31st March 2019 दैट वर्क्स आउट टू बी 1300।
भाई इसमें क्या था, बच्चों को याद कराता हूं, क्रेडिटर्स के बैलेंसेस गिवन है, एडवांस पेड के बैलेंसेस गिवन है और ये अमाउंट पेड गिवन है। इससे हम लोग एक छोटा सा अकाउंट बनाते थे, बच्चे रिवाइज करें जरा, मैं जब आपको क्वेश्चन बोल रहा हूं। अब जैसे यहां पर क्या आता था, क्रेडिटर्स अकाउंट बनेगा एक छोटा सा, याद करें ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड दिस वर्क्स आउट टू बी 2000, एडवांस पेड, जैसे ओपनिंग एडवांस 200। आप लोग याद है बेटा एडवांस पेड डेबिट साइड पे क्यों आया, क्योंकि वो हमारा एसेट होता है, कैश पेड फॉर स्टेशनरी इट्स 12,000, क्रेडिटर्स टू कैश करके एंट्री होती है। अच्छा क्लोजिंग एडवांस रिवर्स साइड पे 1300 और ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग एडवांस क्लोजिंग क्रेडिटर्स सॉरी क्लोजिंग क्रेडिटर्स आपके पास आ जाएंगे 4300 ऑन द रिवर्स साइड। अब सबसे पहले यहां पर इससे बैलेंस आएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज क्रेडिट परचेजेस, उधार वाली परचेजेस, और ये मेरे पास आता है दिस वर्क्स आउट टू बी 13,200, ये बैलेंस आता है 13,200। भाई बच्चों को थोड़ा याद आ रहा है सब कहानी, ऐसे क्वेश्चंस में कह रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए, तीन तीन नंबर के लिए। अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ 3000 प्लस परचेजेस 13,200 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मुझे दिया हुआ 500, आप इसको माइनस कर ले भाई, सो 3000 प्लस करके 500 लेस कर लो, दिस वर्क्स आउट टू बी 15,700। ये लो भाई ये कंज्यूम्ड आ गया हमारे पास, और ये जो कंज्यूम्ड आता है ये मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पे शो करना होता है, दिस हैज टू बी शोन इन इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, इफ यू डू रिमेंबर दैट्स फाइन। मैं ऐसे क्वेश्चंस बोल रहा हूं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। ओके फिर आपको मैं एक क्वेश्चन आज सेंड करूंगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं वो क्वेश्चन क्या होगा, 6 मार्क्स का आने का एक्सपेक्टेशन है उसका, और उसमें सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, दैट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, तो मैं लिखवाऊंगा नहीं, आई एम सेंडिंग इट टू यू, अगर आपसे नहीं होगा मुझे बता देना, सेंड टू द सॉल्यूशन। ठीक है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपने बनाना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि इन क्वेश्चन पे आपने फोकस करना है जो अकेले इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे होंगे। ओके गाइस ये थोड़ा याद आया बच्चों को, उसके बाद आप देखिए हमारे पास आता है स्टेप 4। स्टेप 4 सबसे ज्यादा दासूर, क्यों इसको लास्ट में करना अपने को रिवाइज, एकदम लास्ट में, लास्ट में क्यों करना है, आप ऑटोमेटिकली इसको जब लास्ट में करने जाओगे तो एग्जाम के पास आ जाओगे, तो एग्जाम के पास करोगे तो ताजा ताजा याद रहेगा, ये याद करने वाली जीन्स है बेटा कंपनी अकाउंट्स, इसलिए इसको लास्ट में करने को बोलता हूं। कंपनी अकाउंट्स में आपने याद रखिएगा आपका 75% फोकस शेयर्स पे रहेगा, 75% वेटेज आपने शेयर्स को देनी है। मैं आपको उसका रीजन बताता हूं क्यों, क्वेश्चन में ना मैं आपको बताता हूं बेटा, सीबीएसई और पंजाब बोर्ड दोनों के लिए, आईएससी नहीं, आईएससी को तो फिर करना ही पड़ता है, कई बार क्या होता है सीबीएसई और पंजाब बोर्ड में डिबेंचर आता ही नहीं है, या डिबेंचर आएगा तो बहुत थोड़ा सा आता है। ठीक है तो मैं इसलिए बोल रहा हूं डिबेंचर छोड़ना नहीं है, आई एम नॉट सेइंग डिबेंचर छोड़ के जाना है, मन में अपने ख्याली गुलाम नहीं बनाने के डिबेंचर छोड़ के चले जाए, डिबेंचर पे आपने फोकस करना है 75% के बदले 25%, बाकी आपका मैक्सिमम फोकस इस पे रहेगा। क्यों देखो आप अगर आप बहुत सारे मॉक टेस्ट भी देखोगे जो भी आ रहे, जो सीबीएसई का हमारा पेपर भी आया सेपरेट पेपर, या पंजाब बोर्ड का भी पेपर आया सेपरेट, अगर आप देखो उनको स्टडी करो उसमें डिबेंचर का क्वेश्चन ही नहीं, उसमें दोनों क्वेश्चन चॉइस में शेयर्स के दिए हुए हैं,
नॉर्मली क्या होता है, शेयर और डिवेंचर में चॉइस आती है, नॉर्मली ऐसा होता है, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं, हमें झटका लग सकता है। बट अगर आप देख रहे हो पिछले दो तीन मॉक टेस्ट के अंदर जितने भी हमें मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं उसमें शेयर और शेयर में चॉइस है, डिवेंचर आई नहीं रहा। गेटिंग इट? मैं इसलिए कह रहा हूं आप मैक्सिमम फोकस इस पे रखें और इसको भी पढ़ जाएं। डिवेंचर को दो मिनट बाद डिस्कस करते हैं। सर शेयर में क्या करना है? बड़ा शेयर में कुछ नहीं करना, बड़े वाले क्वेश्चन करने। सर वो छोटे छोटे क्वेश्चन वो ठीक है, टाइम पास करना है, करी जाओ, आना वही है। कौन सा? फोर फीचर, रीइशू और हमारा एक आंटी था ना प्रोराटा, तीनों में ला लो, आना वही बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं ना एक क्वेश्चन इसका आज सेलेक्ट करके रखा है जो मैं क्लास में अभी कराऊंगा। वो क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ लिख लेंगे, वो क्वेश्चन मुझे क्लास में इसलिए कराना है बिकॉज इसको थोड़ा टेंटेटिवनेस इस पे ज्यादा है। ऐसा क्वेश्चन पिछले तीन चार मॉक टेस्ट जो मैंने देखे अभी रिसेंटली 2020 के, हर एक में दिया हुआ, और ये थोड़ा अलग हटके है, अभी कराता हूं। फिलहाल आप डिवेंचर में फोकस करें। डिवेंचर में जब आप फोकस कर रहे हैं तो बेटा डिवेंचर में से कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट? डिवेंचर में दो पार्ट होते थे, एक था इशू और एक था रिडम्पशन, याद है बच्चों को? ठीक है, रिडम्पशन तो चैप्टर आपके लिए हो गया बहुत इजी क्योंकि इसमें दो केस रह गए सिर्फ। कौन कौन से? आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल, मुद्दा दो केसेस का है, वो तो हो गया बहुत इजी। ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास इशू वाला पार्ट है। अब बच्चे याद करें, इशू वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद है एक इशू में केस होता था, इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन, याद है बच्चों को? इसमें छह केस होते थे, इसके अंदर छह केस होते थे। छह केस क्या? इशू एट पार, रिडीम्ड एट पार, इशू एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार, ऐसे करके छह केस होते थे। वो वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरह करना, टेंटेटिवनेस है, उसके चांसेस है इस बार कि इस पार्ट के आने के चांसेस है, ये वाले पार्ट के। ठीक है, और बाकी रिडम्पशन बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, रिडम्पशन रिवाइज कर लेना एक बार, उसमें आपके पास दो ही कॉन्सेप्ट आपने करने हैं, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, अब आपको याद होगा रिडम्पशन के अंदर दो केस होते थे, एक था लमसम, एक था इंस्टॉलमेंट। हम रिडम्पशन करते थे लमसम में और हम रिडम्पशन करते थे इंस्टॉलमेंट में, तो हम यहां पर अभी दोनों में से इंस्टॉलमेंट वाले केस पे फोकस करेंगे ज्यादा। इस बार के लिए इंस्टॉलमेंट वाला ज्यादा प्रेफरेबल है। क्यों? लमसम वाला पिछले दो बार से आ चुका था, ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट वाला आया नहीं हुआ, और वैसे भी हमारी नई सेंचुरी स्टार्ट हुई है 2020, तो उन्होंने 2020 आपके साथ ही खेलना है, याद रखना। तो इंस्टॉलमेंट जो है वो आएगा ही आएगा, इस बार चांसेस लग रहे आएगा छोटा, ठीक है। बट मैं फिर से बोलूंगा, अपना ज्यादा वेटेज आप शेयर्स पे रखिए, शेयर्स का एक एक पॉइंट अच्छी तरह करके जाए। जैसे एक क्वेश्चन है, बच्चे मेरे साथ लिखेंगे शेयर्स का, इसको मैं साथ साथ ही डिस्कस कर रहा हूं, ये क्वेश्चन बेटा मैं क्लास में कराऊंगा। एक क्वेश्चन लिखने सारे, एंड बी अटेंटिव नाउ। एस लिमिटेड ऑफर्ड 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, अमाउंट इज पेबल ऑन, आप पूरा लिखना बच्चा, अमाउंट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट ₹2, टू ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹1 ऑन द फाइनल कॉल, एंड बैलेंस ऑन थर्ड एंड फाइनल कॉल, मतलब एक और इसके बाद कॉल, बैलेंस ऑन थर्ड एंड फाइनल कॉल। अब देखोगे ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे, अगर बच्चों ने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करे तो उसमें मिल जाएगा, बच्चों ने देखा होगा क्वेश्चन, अगर किसी शरीफ बच्चे ने कोई पेपर्स वगैरह प्रैक्टिस करे तो।
The company received the amount as under. The company received the amount as under on 15,000 shares. Amount as under on 15,000 shares, full amount on 2500 shares, rupees 7. On 1500 shares, rupees 5. On 1000 shares, rupees 3. Directors forfeited shares on which less than 7 per share was paid. Less than 7 per share was paid. Pass entries. बड़ा हम लोगों ने ना एक्चुअली किया है वो टेबल वाले कैटेगरी वाले बड़े सारे क्वेश्चन करें, ऐसा भी करा हुआ है. अगर आप चेक करोगे अपने आईसीएमआई बुक पे ना, ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ी फिगर्स चेंज है. बट मैं आपको एक बार ये कराता हूं. इस क्वेश्चन में दिक्कत पता है क्या है? इस क्वेश्चन में दिक्कत है, एक तो तीसरी कॉल आ गई जो आज तक कभी नहीं आई, थोड़ा डिफरेंट आ गया. आप देखोगे तीन एप्लीकेशन, दो अलॉटमेंट, 3, 2, 5, 2, 7 और 1, 8. तो कहने का मतलब एक तीसरी कॉल बाकी कितने की है? 2 रुपए की. एक तो ये हो गया. एक वो कहता है यार अपने पास ना इन शेयर्स के पैसे पूरे नहीं आए, तो अपने को सबसे पहले यहां पर एक वर्किंग नोट तैयार करना है. वर्किंग नोट क्या? कॉल्स इन एरियर्स का आपको कैलकुलेशन करते हुए एक वर्किंग नोट दिखाना है. तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा इसको सुंदर बना रहा हूं आपके लिए. जैसे आपको पता है एक तो अलॉटमेंट एरियाज में हो सकती है. अच्छा, फिर कौन सी हो सकती है आपके पास? आपके पास फर्स्ट कॉल एरियाज में हो सकती है, सेकेंड कॉल एरियाज में हो सकती है, और उसके बाद एक थर्ड और फाइनल कॉल भी एरियाज में हो सकती है. ओके, अब समझो. जैसे आपको फर्स्ट कैटेगरी दी कि 15,000 शेयर पे सारे पैसे आ गए. अगर 15,000 शेयर पे सारे पैसे आ गए, बड़ा जरा सारे मीन खोल के सुनना, तो आपका एरियाज कुछ नहीं उसके अंदर. फिर देखा 2500 शेयर पे, भाई 2500 शेयर पे अगर तुम्हें 7 रुपए आए, तो इसका मतलब तुम्हें 3 रुपए नहीं आए. अच्छा, 3 रुपए कौन से नहीं है? पहले हम एक काम करते, इनके ना अमाउंट लिख लेते. 2 रुपया है अलॉटमेंट का, 2 रुपए फर्स्ट कॉल का है, सेकेंड कॉल का 1 रुपया है, और फाइनल कॉल के फिर से 2 रुपए. अगर मुझे 7 रुपए नहीं आए, मतलब 7 रुपए आ गए, मतलब 3 रुपए नहीं आए, 3 रुपए नहीं आए, इसका मतलब मुझे ये लास्ट के 3 रुपए नहीं आए. समझ में आ रहा सारे बच्चों को? मुझे लास्ट के पैसे नहीं आए ना, तो इसका मतलब ये हो गया 2500 शेयर 2 रुपए के हिसाब से 5000 रुपए आपको एक नहीं आया, और 2500 शेयर 1 रुपए के हिसाब से आपका 2500 रुपए यहां पे एरियस बन गया. ये लो जी, ये आपके निकला है फाइनल कॉल और सेकेंड कॉल के एरियस. फिर आपको 1500 शेयर पे, ध्यान से मेरी बात समझना, 1500 शेयर पे 5 रुपए आए. बेटा जिसको नहीं आएगा समझ में उसी टाइम पूछ लेना. वो फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू ऑल? ओ इंसानो, अब तो बोलो जाते जाते. इज दिस क्लियर? ठीक है. अभी पता नहीं बहुत सारे बच्चों ने जिंदगी में दोबारा मिलना है कि नहीं मिलना भाई. ठीक है, मतलब मिलना, मतलब वैसे है मोस्ट वेलकम, बट वैसे पता नहीं कोई बच्चा कुछ और कर रहा है. बिकॉज जो मेरे रिलेटेड कोर्स करेगा वो तो मिलेगा, बट अगर मान लो कोई चाइना चला गया या जापान चला गया, उससे कहां मिलना होगा बाद में? पाकिस्तान भी जा सकते हैं. ठीक है,
ओके अफ्रीका भी जा सकते हैं ओके ऐसे मम्मा ने नाम करा वहां जाके ब्रांच खोल दिया आपको बोलता है बेटा 1500 शेयर 5 रुपए के हिसाब से अच्छा एक बात सोचिए भाई 5 रुपए अगर आए तो लास्ट के 5 नहीं आए ये 2 1 और 2 ये 5 रुपए हो गए याद रखना लास्ट के 5 नहीं है तो 1500 * 2 3000 1500 * 1 1500 और 3000 ये एरियर्स है काका जी 10 आए ना 10 में से अगर 5 आ गए तो 5 नहीं आए तो लास्ट के 5 नहीं आए अब जैसे 1000 शेयर पे 3 रुपए आपको आए हैं तो आपको 7 रुपए नहीं आए अच्छा 7 रुपए कौन से नहीं आए ये देखो ये 2 2 4 1 5 और 2 7 ये 7 रुपए नहीं आए इसका मतलब 1000 * 2 2000 * 2 2000 फिर 1000 * 1 1000 1000 * 2 2000 ये लो भाई सबके एरियर्स निकल आए बच्चों आप सुनिए ये 2000 5000 ये देखिए 2500 1500 4000 4 और 1 5000 उसके बाद 5000 3 और 2 ये एरियाज आ गए 10000 मुद्दा आपको ये है कि एरियाज निकालना आपका जरूरी था ये एरियाज ही निकाल लोगे तो आपका 90% क्वेश्चन वैसे खत्म हो गया बेटा इस सारे बच्चों को क्लियर है अच्छा इस क्वेश्चन में अच्छी बात क्या है प्रोराटा नहीं इस क्वेश्चन में उल्टा प्रोराटा नहीं है चलो गाइस रैपिडली एक बार आपको एंट्री करके बता रहा हूं बैंक टू शेयर एप्लीकेशन बेटा बातें बोलते ना करें और सबको समझे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स 3 के हिसाब से 3 रुपए की एप्लीकेशन है उसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल दिस इज 60,000 इसमें कोई प्रोराटा वाला सीन नहीं है क्वेश्चन में तो सेकेंड एंट्री इजी हो गई थर्ड शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल बेटा 20,000 शेयर्स 2 रुपीस की अलॉटमेंट 40,000 अब एक काम करो ऊपर देखो अलॉटमेंट कितने एरियाज में थी ये देखो 2000 एरियाज था अलॉटमेंट में आपने टेबल अपना बना लिया है छोटा सा 2000 अलॉटमेंट में एरियाज था बैंक आप लिखिए यहां पर कॉल इन एरियर्स जनरली हम कॉल इन एरियर्स लिखते हैं टू शेयर अलॉटमेंट 40,000 2000 एरियर्स एंड 38,000 नेक्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है अगेन 40,000 2 रुपए की फर्स्ट कॉल अगेन 40,000 उसके बाद बैंक को डेबिट करा अब ध्यान से मेरी बात सुनना कॉल्स इन एरियाज टू शेयर फर्स्ट कॉल
ये 40,000 आ गया. गाइस नाउ फोकस प्लीज एवरीवन. फर्स्ट कॉल एरियस थी 5,000. आप ऑलरेडी टेबल में बना चुके. फर्स्ट कॉल का एरियस था 5,000. 40 माइनस 5 एंड द रेस्ट बैलेंस इज 35. शेयर सेकेंड कॉल टू शेयर कैपिटल. अब एक रुपए का सेकेंड कॉल है. बैंक कॉल्स इन एरियस टू शेयर सेकेंड कॉल. अब ये देखो बेटा, ये 5,000 आ गया बाकी बैलेंस. फाइव और 15 और लास्ट में शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल अगेन 40,000 टू रुपीस के हिसाब से. अच्छा फाइनल कॉल काफी ज्यादा एरियाज में थी, 10,000 था, चेक कर लो. बैंक एरियर्स टू शेयर फाइनल कॉल 40,000, 10,000 एरियर्स, 30,000 बैंक पे. बट सब अभी खत्म नहीं हुआ. उसने बोला बेटा फोर फीचर करना हम लोग को. भाई सारे बच्चे देख लेना, फोर फीचर करना हम लोग को अभी. बच्चा फोर फीचर कैसे करेंगे अच्छे तरीके से समझना. उसने बोला जिन पे 7 रुपए से कम आए उसको फोरफीट करना है. मतलब आपने सारे शेयर फोरफीट नहीं करने, जिन पे 7 रुपए से कम आए. तो 7 रुपए से कम ये 1500 और 1000, आपको 2500 शेयर पे आए. 7 रुपए से कम मतलब 7 रुपए वाले भी नहीं लेने. कौन से लेने जो 7 रुपए से कम है. सो आप नोटिस करोगे आपके पास 2500 शेयर है जिनको फोरफीट करना आपको, लास्ट के 2500. आप एंट्री करोगे शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीटेड टू कॉल्स इन एरियर्स. अब एक काम करो, 2500 शेयर 10 के हिसाब से 25,000. ये क्लियर है भाई? 2500 शेयर 10 के हिसाब से कितना आ गया? 25,000. गाइस अब प्लीज फोकस करें सारे. प्लीज आप मुझे बताइए जो 1500 शेयर है उस पे 5 रुपए आए, मतलब 5 नहीं आए एरियस. बेटा प्लीज कीप क्वाइट. 1000 शेयर पे आपको 3 रुपए आए, इसका मतलब 7 रुपए नहीं आए. तो इसका मतलब ये हो गया भाई 14,500 रुपए आपके एरियस है, 14,500 आपका एरियस है. सो 25,000 माइनस 14,500, बाकी आपके पास कितना पैसा आया हुआ. आप यहीं पे सब खत्म कर देंगे, आपको रीइशू करानी है आपने. आप जब रीइशू नहीं होगा तो कैपिटल रिजर्व भी नहीं होगा. बच्चा पहले सारे बच्चे बताएं ये क्वेश्चन क्लियर है. मेन इसमें था एरियस का टेबल और सब में कुछ नहीं था. बिना टेबल के भी कर सकते हैं बेटा, वो तो मैंने ऐसे एक अच्छा वर्किंग नोट बना दिया. नहीं मार्क्स नहीं कटेंगे, बट मैं आपको एक चीज बताता हूं. मैं चीजें क्यों बता रहा हूं, मैं आपको भी इसके बारे में बताने जा रहा हूं. सुनो अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि हमने रिवीजन कैसे करनी. अब एक चीज मैं आपको डिस्कस करूंगा, सारे बच्चे जरा थोड़ा अटेंटिवनेस से सुन लेना. पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है.
भाई साहब हाउ टू अटेम्प्ट बोर्ड एग्जाम पेपर अब एक मिनट बिफोर आई स्टार्ट विद दिस सारे बच्चों को रिवीजन का पैटर्न समझ में आ गया रिवाइज कैसे करना है एनी डाउट्स किसी को कुछ पूछना है दिमाग में कोई क्वेश्चन है पहले रिवीजन पैटर्न को लेकर कि हम लोग को पहले सीएफएस रेशियोस वगैरह करना चाहिए स्टार्ट पार्ट सी पहले स्टार्ट करो किताब का फिर पार्टनरशिप में पहले डिसोल्यूशन स्टार्ट करो फंडामेंटल्स गुडविल चेंज इन रेशियो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ लास्ट में और शेयर्स उसके बाद एनपीओ एनपीओ करने के बाद शेयर्स ये सारे बच्चे याद रखें और भाई मैं दोबारा बोल रहा हूं डिबेंचर छोड़ के जाने को नहीं बोल रहा मैं कह रहा हूं डिबेंचर पे वेटेज सिर्फ 25% रखो पर डिबेंचर छोड़ के जाने को नहीं बोल रहा मैं आपको कि डिबेंचर आप छोड़ के जाओ एक बार क्लास नोट सारे पढ़ना अच्छा एक चीज और बिफोर आई स्टार्ट विद दिस एक ना बच्चों की बहुत गंदी आदत है वो अकाउंट्स के सम को सिर्फ रीड करते हैं अगर आप लिख के प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो इस टाइम पे अगर आप कम से कम हर चैप्टर के 10 से 15 क्वेश्चन राइटिंग करके अनसॉल्व मान के उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो सॉल्यूशन देख देख के कर रहे हो आपको सम नहीं निकलने वाला एग्जाम में मैं पहले से बोल देता हूं आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं निकलेगा यू हैव टू राइट एंड प्रैक्टिस पीपल आर डूइंग व्हाट दे सी द सॉल्यूशन एंड दे से हां सम आ गया मुझे समझ में आ गया राइट और अपने कॉन्सेप्ट खराब मत करो आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाए हुए हैं आप लोग क्या करते हो बुक की इलस्ट्रेशन देखते हो उसके गंदे से सॉल्यूशन को देखते हो वो समझ में नहीं आता और कंफ्यूज हो जाते हो सो डोंट डू दैट आपको क्लास नोट्स के अंदर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के सारे क्वेश्चन करो जो नहीं निकलता मुझे बता दो मैं करवा दूंगा राइट गाइस ओके सबसे पहले भाई पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है बोर्ड एग्जाम्स में भाई रूल नंबर वन जो मेजर पार्ट है याद रखिएगा पहला रूल प्रिपेयर वर्किंग नोट्स आइदर एट द एंड और बिगनिंग ऑफ द सॉल्यूशन वर्किंग नोट्स कभी बीच में नहीं बनाने बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं भाई बच्चे वर्किंग नोट बीच में शुरू कर देते हैं ऐसा मत करना याद रखिएगा पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत रेलेवेंस रहती है बहुत ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस है या तो वर्किंग नोट बनाओ पेपर के शुरू में या वर्किंग नोट बनाओ पेपर के एंड में बीच में वर्किंग नोट नहीं बनाने हमने रूल नंबर टू सपोज कर लो जैसे ये पेपर आपका है यहां पर एक पेंसिल और एक फुट्टा जरूर लेके जाइए फुट्टा मतलब स्केल ठीक है पेंसिल और स्केल बेटा स्केल रूलर रूलर ठीक है अच्छा आपके पास एक मार्जिन गिवन होता है पेपर में आपने देखा होगा ठीक है अब बच्चे क्या करते सपोज कर लो भाई पार्ट ए से क्वेश्चन शुरू करा मेरी बात को समझना बेटा पार्ट ए से क्वेश्चन शुरू करा क्वेश्चन नंबर वन आप कर रहे हो हमेशा लिखो आंसर टू क्वेश्चन नंबर वन ए ये प्रॉपरली मेंशन करो वहां पर बच्चे क्या करते हैं नॉर्मली व्हाट स्टूडेंट्स डू वन ए टें टें डोंट डू दिस दिस विल मेक यू लूज योर मार्क्स राइट प्रॉपरली आंसर टू क्वेश्चन नंबर वन ए मोर ओवर सपोज पार्ट ए चल रहा अभी गाइस मेरी बात को समझ लेना मान लो पार्ट ए चल रहा है आप वन ए के बाद आप सपोज कर लो ए के तीन पार्ट से मान लो क्वेश्चन वन के तीन पार्ट से आपने शुरू कर दिया टू बी फिर आपके मन में आया आपने करा वन सी ओए ढक्कन ऐसे नहीं करना डोंट डू दिस अगर एक क्वेश्चन के तीन पार्ट से अगर आपको तीनों आते हैं तो उसको तीनों को इकट्ठे करना है ए का आपके पास बी का और सी का पार्ट इकट्ठा होना चाहिए वन ए वन बी वन सी इकट्ठा होना चाहिए ठीक है ये बात याद रखना ये बच्चे गलती करेंगे
उसके बाद सपोज कर लो आप ये भी नहीं करोगे, पार्ट ए से क्वेश्चन लिया, ठीक है, आपने पार्ट ए से सपोज क्वेश्चन नंबर वन अटेम्प्ट कर दिया, उसी के नीचे आपने लिख दिया पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 13, नहीं करना, डू नॉट एवर डू दिस, ये भी नहीं करना। अगर आप पार्ट ए कर रहे हो तो पहले सारा पार्ट ए खत्म कर लो फिर पार्ट बी पे आओ, ठीक है, सारा पार्ट ए खत्म कर लो फिर पार्ट बी पे आओ। अगर आप मेरी सलाह मानो, सर पेपर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, स्टार्ट कहां से करें, मेरी सलाह माने तो बेटा पार्ट बी से शुरू करें पेपर आप। मैंने क्यों बोला आपको सीएफएस पहले रिवाइज करने को, पार्ट बी जो होता है स्टार्ट विद पार्ट बी क्वेश्चन के अंदर, ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है कि आप पार्ट ए से शुरू करेंगे, स्टार्ट विद बी, बी इज बेस्ट, याद रखो बी इज बेस्ट। व्हाई, इसका रीजन सुनिए, पार्ट बी जो है आप अप्रोक्सीमेटली मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स में पेपर कवर कर सकते हैं, आप 30 मिनट के अंदर पार्ट बी सारा खत्म कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। आपके पास 3 घंटे हैं, आपको 10 से 12 मिनट का पहले रीडिंग टाइम मिलता है, वो छोड़ दो, उसके अलावा 3 घंटे आपके पास है, आप 30 मिनट में पार्ट बी कवर कर लो, हो जाए, क्योंकि पार्ट बी स्कोरिंग होता है और पार्ट बी इजी होता है, याद रखो, पार्ट बी से मेरा मतलब हो गया सीएफएस रेशियोस के क्वेश्चंस। उसके बाद आप पार्ट ए में आओ, और अगर मेरी बात मानो तो पार्ट ए का जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो जनरली होगा शेयर्स का, वो पहले अटेम्प्ट करो, यू नो व्हाई, यू एंटर द एग्जामिनेशन ऑल योर माइंड इज फ्रेश, इट्स नॉट एग्जॉस्टेड, पार्ट बी करके कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हमारा हो गया सीएफएस मैच कर गया, दैट कॉन्फिडेंस विल हेल्प यू इन पार्ट ए आल्सो। सो अगर मान लो कभी गलती से एक आध कोई क्वेश्चन नहीं निकला, इतना सोचना नहीं है, दिमाग पर नहीं लगाना उसको, ठीक है, नहीं निकला तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, जैसे लाइफ में बच्चे कहते हैं ना सर अगर नहीं मिली तो कोई बात नहीं दूसरी आई, कोई टेंशन नहीं है, तो रिलैक्स रहो, कूल रहो, ठीक है, जैसे सर एक दिन में देख रहा था बाहर खड़ा हुआ था, ढूंढ रहा था नहीं मिली, दूसरी जगह मैं टैक्सी की बात कर रहा हूं बेटा, ओके, तो भाई हम बात कर रहे थे, तो अल्टीमेटली चलो जोक से बात गाइस, आपने लास्ट क्वेश्चन जो है ना शेयर्स का वो पहले अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट शेयर्स का क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करो, ठीक है, मतलब आप देखो क्वेश्चन जितने ज्यादा टिपिकल पहले अटेम्प्ट उसको करना चाहिए, शेयर्स के बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका होना चाहिए पार्टनरशिप का एडमिशन और रिटायरमेंट। अगर इसके क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, मतलब इसमें ऑब्वियसली कई बार चॉइस में आ जाता है, आई मीन टू से बड़े क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करो, इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का मैक्स टू मैक्स आपका ड्यूरेशन 1 घंटे का होना चाहिए। बेटा पेपर को डिवाइड करना सीखो, अगर आप डिवाइड करोगे पेपर कंप्लीट होगा, हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, आप में से कितने ऐसे बच्चे जो पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाते, बहुत बच्चे होंगे ऐसे, पेपर कंप्लीट ही नहीं होता सर हमसे, राइट, नहीं नहीं मतलब आते और कंप्लीट नहीं होता, आई मीन टू से दिस, ठीक है, अब इसमें क्या है, आप लोग क्या टाइम डिविजन नहीं कर रहे हो, डिविजन ऑफ टाइम इज वेरी नेसेसरी, लाइक अगर सपोज कर लीजिए, बड़ा सुनना अच्छे तरीके से, इन दो जो बड़े क्वेश्चंस को एडमिशन रिटायरमेंट और शेयर्स के क्वेश्चन को मैक्स टू मैक्स 1 घंटा लगाओ, मैक्स टू मैक्स माना था। इसके अलावा अब देखो हमारे पास अभी 1.5 घंटा और पड़ा है, ठीक है, हमने 12 आवर 30 मिनट यूज कर लिए, नेक्स्ट आ जाओ रिवर्स ऑर्डर में, पेपर पार्ट ए चल रहा हमारा, पार्ट ए के अंदर आपके पास 3 मार्क्स के 4 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उनको अटेम्प्ट कर लो 30 मिनट्स में। ये पता है कैसे प्रैक्टिस डेवलप होगी, जब हम घर पे एक्चुअली में एक सैम्पल पेपर लेंगे, सामने घड़ी रखेंगे, उसमें सम करके देखेंगे, तभी ये प्रैक्टिस होगी, इसकी प्रैक्टिस आपके अलावा आपको कोई नहीं करा सकता, कोई टीचर नहीं करा सकता, ये खुद करनी पड़ेगी। 30 मिनट्स के अंदर जो 3 और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट होने चाहिए। 3 क्वेश्चन 3 नंबर के होते हैं 4 2 नंबर के होते हैं मेरे भाई 3 क्वेश्चन 3 नंबर के हो गए 2 4 नंबर, हां 2 4 नंबर के हो गए, ठीक है, आप मुझे बताओ कितने क्वेश्चन हुए, 5, तो आप क्या सोचते हो कि ये जो 5 क्वेश्चन है छोटे छोटे आप 30 मिनट्स में नहीं कर सकते? सर अभी हमने स्टेशनरी वाला क्वेश्चन करा,
कितना टाइम लगा शो करने में हम लोगों को? 3 मिनट, 3 मिनट लगे सिर्फ। अभी मेरे क्लास में क्वेश्चन लिखवाया साथ में, मैं टाइम नोट कर रहा था। क्वेश्चन लिखवाने के बावजूद 3 मिनट। अगर हमें कॉन्सेप्ट आता है तो एक 3 नंबर का क्वेश्चन आपका 5 मिनट मैक्सिमम लेगा, मैक्सिमम 5 मिनट, अगर आप प्रिपेयर्ड है प्रॉपरली तो। गाइस कुछ लोगों को ना, कुछ बेवकूफ बच्चे होंगे, बोलेंगे नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है। इट इज पॉसिबल गाइस, हमें सिर्फ एक प्रॉपर पैटर्न से पढ़ाई करी होगी ना हमने, तो हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा मैं आपको फिर से बताता हूं, इसके बाद लास्ट में आइए एमसीक्यू, एमसीक्यू करो एकदम लास्ट में, एमसीक्यू एकदम लास्ट में करो, ठीक है? ये सीबीएसई वालों के लिए एमसीक्यू करो लास्ट में। एमसीक्यू क्या करो भाई, 15 मिनट के अंदर आप पेपर कर लोगे एमसीक्यू का मैक्सिमम। बेटा मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, एमसीक्यू के अंदर मान लो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आधे उसमें थ्योरी के होंगे, आधे थ्योरी के होंगे, उसमें क्या टाइम लगेगा आपको? थ्योरी खाली आपने मार्क करनी है, पढ़नी है, उसको आंसर लिखना है, कितना टाइम लग जाएगा? आप अपनी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे बच्चा तो 15 मिनट के अंदर एमसीक्यू हो जाएगा, इसके बाद भी आपके पास लास्ट में 15 मिनट पड़े होंगे। अब चेक कर लो मेरे भाई, जब मैंने आपको बोला ना शेयर्स और एडमिशन, उसमें वो सारा कवर हो गया, 6 और 8 बोथ। चलो आप एक काम करो, अभी भी आपके पास टाइम बच रहा है, मैं एक काम करता हूं, मैं आपके लिए टाइम और अब बच्चे कहते ना एमसीक्यू में और टाइम लग रहा है हमारे पास, मैं कहता हूं एमसीक्यू का और टाइम बढ़ा दो। आप अगर नोटिस करोगे इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला पेपर में, अगर आप प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो तो। लेट्स सी, एक मिनट, लेट्स सी फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे कहते सर एक घंटा, ठीक है मान लो ये सवा घंटा कर लेते, एक घंटा 15 मिनट कर लिए, ठीक है? मतलब वो आपके लिए अगर मैं जितना मर्जी कर लूं बेटा, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए, डिवाइड करना पड़ेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं ये प्रैक्टिस कैसे होगी, ये प्रैक्टिस होगी जब हम घर पे खुद पेपर अपने सामने रख के करें, ये घर पे तभी होगी प्रैक्टिस, अगर आप पेपर इस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना शुरू करोगे तो। गाइस अगर आप इस पैटर्न में करेंगे लास्ट में आप देखोगे आपके पास जितने मर्जी टाइम बढ़ा दो आपके पास 15 से 20 मिनट फिर बचते हैं पेपर करने के लिए। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ऑनेस्टली बताऊं, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पीएससीबी का पेपर होता है ना उसके लिए 3 घंटे भी ज्यादा, वो आप 2 आवर्स में कर सकते हो, बहुत सिंपल आता है, सीरियसली कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं ना, बहुत सिंपल आता है, हाँ आप 2 घंटे में कर सकते हो। जो सीबीएसई वाला पेपर है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 2 घंटे 40 मिनट के अंदर कवर कर सकते हो, अगर आप टारगेट रख के चलो। बच्चे बोल रहे सर इट्स नॉट पॉसिबल, आई एम सेइंग इट्स पॉसिबल, इट इज पॉसिबल गाइस, अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ चल रहे हो। और एक बात याद रखना, प्रैक्टिस इसी ऑर्डर में करो तो ही बात बनेगी, आप अगर उसको पेपर को अटेम्प्ट उठपटांग तरीके से करोगे तो मुश्किल आएगी। चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक शेयर्स का क्वेश्चन, आप मुझे बताओ कितना टाइम लगना चाहिए, आप लोग से बात करता हूं, चलो हम पार्ट ए से डिस्कस करते हैं। पार्ट ए में मान लो आपके पास 2 शेयर के क्वेश्चन आ गए, एक करना है, दोनों नहीं करने, एक करना है, ठीक है? चलो बच्चे बोलो मैक्सिमम कितना टाइम, सीएससी बोलना 25 मिनट, चलो 25 मिनट, 8 नंबर डन, ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, मान लो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है पार्ट ए का, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास एडमिशन और रिटायरमेंट में से एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? अब वो भी 8 नंबर का, 25 मिनट ले लिए, 50 मिनट्स हो गए। अच्छा अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास मान लीजिए डिबेंचर का क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जांपल 6 नंबर का, मान लो 6 नंबर का डिबेंचर का क्वेश्चन आ गया,
सारे सीरियसली बोल रहे हैं 15 मिनट एग्रीड, ये लो जी 15 मिनट ले लो। मैं भी आपकी भाषा में बताऊंगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 19 में फॉर एग्जांपल एक एनपीओ का 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया, आप गलत हो गए बच्चा। एनपीओ का क्वेश्चन 6 नंबर में आता है, मैक्सिमम 15 मिनट, 20 मिनट ही लगने चाहिए। चलो मैं आपके लिए इसको 20 मिनट कर देता हूं। गाइस मान लो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 16। अब अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 18 में एक सिंपल डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आ गया, मैं 4 नंबर की बात कर रहा हूं। मान लो 17 में फॉर एग्जांपल एक शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट बनानी आ गई। अच्छा मान लो 16 में आ गया पीएल अप्रोप्रिएशन बनाओ फंडामेंटल्स। अब ये 4-4 मार्क के क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन कितना टाइम लेंगे आप? 20 मिनट। चलो नहीं नहीं 30 मिनट्स ले लेते हैं इनके कहने पे, मैं 30 मिनट्स कंसीडर करता हूं। एग्रीड एग्रीड, कोई बात नहीं बेटा, आप 5 घंटे तक बचाओ फिर मैं तरीका बताता हूं। आप 5 घंटे बचाओ कोई बात नहीं। मान लो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास आ गया, डेथ का क्वेश्चन 4 नंबर का। ये मैं आपको करंट ईयर का जो पेपर हमारे को आया उसके हिसाब से बता रहा हूं। मान लो 4 नंबर का डेथ का क्वेश्चन जिसमें सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। हाँ जी फिर सोच लो 10 मिनट, मैंने 5 ग्रेस दी आप 10 मिनट लो। एग्री। क्वेश्चन नंबर 14, एनपीओ का छोटा क्वेश्चन 3 नंबर का, 3 मिनट 5 मिनट ली, डन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से 13 भाई एमसीक्यू 1 मार्क ईच और इस 1 मिनट, इस 13 क्वेश्चन में सिर्फ अभी तक जो सैंपल पेपर मुझे नजर आ रहे हैं वो सिर्फ 3 प्रैक्टिकल है, बाकी सारे थ्योरी। एकदम थ्योरी पढ़ते जानी, थ्योरी किसने नहीं पढ़नी, फिर सोची नहीं बेटा पढ़ के जानी है। 15 मिनट मैक्सिमम ले लूं। चलो अब ये मेरे बच्चों को फॉलो करो। लो भाई हाँ अभी पार्ट है बेटा, हम डिस्कस करते हैं बाद में, हम इसको पहले टाइम देखते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप ले 25, 25, 50, 65, 85 मिनट्स। अच्छा 85 के बाद आप कह रहे अप्रोक्सीमेटली 115 मिनट, 115 और इसके बाद 125, 125 और 130 मिनट, ठीक है, और 130 और आपके पास आ गया 145। अब मैं आप लोग के हिसाब से चल रहा हूं, तो आप मुझे कह रहे हो 2 घंटे 15 मिनट, या आप कह लो भाई 2 घंटे अप्रोक्सीमेटली हमारा 120 मिनट्स हो गया और उसके ऊपर 25 मिनट और, हम ढाई घंटे लेते हैं 2 hours 30 minutes। गाइस एक मिनट, अब ये आप लोग के हिसाब से चल रहा हूं मैं, यार इसको मजाक मत बनाओ, सीरियसली देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कभी डिस्कस नहीं करते, और ये पहले डिस्कस करने का फायदा भी कोई नहीं है, ये सिर्फ बोर्ड के टाइम डिस्कस होता है। 2.5 घंटे आपको लग रहे, ये आप लोग का मैक्सिमम टाइम पीरियड लगा दिया मैंने। अब हम मुझे बताओ पार्ट बी अगर हम लेके चलते हैं, सीएफएस का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, सीएफएस का क्वेश्चन आप बताओ, सीएफएस का क्वेश्चन आ रहा है मेरे को और वो अप्रोक्सीमेटली 6 नंबर का है, कितने मिनट लगने चाहिए?
यार सीएफएस के क्वेश्चन में गधा 20 मिनट बोल रहा है बेटा 90% सीएफएस का क्वेश्चन आता ऑपरेटिंग एक्टिविटी 90% 90% मैं आपको बता रहा हूँ 90% बट डोंट टेक टेक टू बी ग्रांटेड हुई कि यही आएगा मैं सीएफएस ले लेता हूँ 15 मिनट जो मर्जी क्वेश्चन आया ओके सपोज कर लो एक क्वेश्चन नंबर 32 है क्वेश्चन 31 आपके पास कंपैरेटिव का एक क्वेश्चन आ गया 4 नंबर का अब बताओ बड़ा कंपैरेटिव की कैलकुलेशन जरूर होती है आई एग्री विद दिस बट कंपैरेटिव का क्वेश्चन इजी होता है चलो 5 मिनट ले लिए इसके अलावा बड़ा क्वेश्चन 30 आ गया मानो रेशोस का 3 नंबर का चलो जी 5 मिनट अब आप क्वेश्चन 23 से लेकर क्वेश्चन 29 आपके 1 मार्क के एमसीक्यू टाइप है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल 1-1 मार्क के फाइव मिनट्स कर लिए चलो 15 और ये 15 30 मिनट ये हो गए अब आप लोग देखो खुद आपके हिसाब से चल रहा हूं तो 3 घंटे में पेपर आप खत्म कर रहे हो अगर आप थोड़ी सी अकल लगाओ अब समझो इस चीज को मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि पार्ट बी 30 मिनट्स के ऊपर नहीं लगना चाहिए मैं गलत तो नहीं बोल रहा था जितना मर्जी कर लो पार्ट बी के ऊपर 30 मिनट्स लगाना आपकी बेवकूफी है आपको टाइम पता है कहां पे सेव करना है आपको टाइम सेव करना है इन क्वेश्चंस के अंदर ये जो आप लगा रहे हो ना यहां पर 15 मिनट 20 मिनट ये जो इतने इतने बड़े क्वेश्चन मैं मानता चलो इसमें लग गए टाइम मान लिया दिस इज एक्सेप्टेबल डन आपको किसी हालत में एनपीओ में टाइम बचाना है सेव अप्रोक्सीमेटली टारगेट लेके चलो कि मेरे को 19th क्वेश्चन पे अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट बचाने कम से कम उसके बाद डिबेंचर के इशू के क्वेश्चन आने ज्यादातर आप मैं कहता हूं 3 मिनट यहां से बचा लो ज्यादा मत बचाओ बच्चा यही तो प्रैक्टिस है हमारी यही तो हम समझ नहीं पा रहे इन चीजों को कि यही प्रैक्टिस है हम 3 मिनट यहां से बचाएं उसके बाद ये बच्चों ने 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन करने में 30 मिनट लगा दिए मेरे हिसाब से अगर आप इसको करो तो आप इसको मैक्सिमम 20 मिनट में 3 क्वेश्चन आप कर सकते हो 20 मिनट्स में 3 क्वेश्चन आप कर सकते हो सारे क्वेश्चन छोटे होते हैं 10 मिनट यहां से हो गए अगर आप पार्ट बी में नहीं बचा सकते हो आप फिर देख लो आप 10, 5 और 3, 18 मिनट आप यहां बचा रहे हो मैं आगे नहीं चल रहा अभी मतलब कि हमारा एफर्ट किस में होना चाहिए हमारा एफर्ट होना चाहिए 16 से लेकर 20वें क्वेश्चन के अंदर इसको टारगेट करो अब समझ रहे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप जब पेपर कर रहे हो ना अपना प्रैक्टिस आपका क्वेश्चन 16 से लेकर क्वेश्चन 20 के अंदर टारगेट होना चाहिए मेरा वहीं पर टाइम बचेगा अगर मान लो आप यहां पर 18 मिनट बचा सकते हो सकता है कि आपके इन क्वेश्चन में आप 2-3 मिनट एक्स्ट्रा भी लगा सकते आपको मैक्सिमम पता है कि लास्ट के 10 मिनट मैं 18 मिनट नहीं कह रहा लास्ट के 10 मिनट सारा पेपर जो आपने करा है उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है जो बच्चा उसको नहीं कर कर आता वो कहीं ना कहीं गलती कर रहा होता उसको नहीं पता लगेगा आप पेपर कर रहे हो एकदम रश में हो आप घबराहट में हो आप गलती कर रहे हो आपको पता नहीं चलेगा गाइस कुछ भी कर लो चाहे मुझे एक क्वेश्चन एमसीक्यू का छोड़ना पड़े छोड़ दो पर लास्ट में 10 मिनट के अंदर पेपर रिवाइज जरूर करना चाहे मेरे एमसीक्यू में 2 क्वेश्चन छूटते छूट जाने दो एमसीक्यू पहले नहीं स्टार्ट करना किसी ने भी बिकॉज बच्चा क्या करता है आधा घंटा एमसीक्यू लगा देता है कभी ये गलती मत करना एमसीक्यू लास्ट में ठीक है एमसीक्यू एकदम लास्ट में मैंने आपको पूरा ऑर्डर बता दिया और आप कम से कम ये पैटर्न याद रखो कि आपने कम से कम एमसीक्यू के ऊपर मैक्स टू मैक्स 7-8 मिनट के ऊपर नहीं लगाने चाहिए 5-15 मिनट पहले वाले में कर लेंगे मैं आपको कह रहा हूं मेरे भाई कि आप वहां पर लास्ट कुछ भी कर लो आप याद रखो गोल्डन रूल टू प्रैक्टिस द पेपर इस लास्ट के 10 मिनट जो है मुझे रिवीजन के लिए चाहिए ये रिवाइज जरूर करना है
अच्छा इसमें एक तरीका और होता है, लास्ट के 10 मिनट बचे, कोई एमसीक्यू नहीं आ रहा, साथ में मान लो भाई सेम बंदा बैठा हुआ है, उसका सेट में क्वेश्चन आगे पीछे होता है, ज्यादा कोई चेंज नहीं आता, पूछ लिया ए बी सी डी, बहुत अच्छा तरीका है, तुक्का लग जाता कहीं पर। मान लो आपको एमसीक्यू नहीं आता, ए ए ऊपर होता है ना, बी सी और डी, डी इसको क्या बोलते हैं, ठोटी पंजाबी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग गाइस। अच्छा एक चीज और, ओए ये मजाक था, ऐसा करना नहीं है। अच्छा बच्चों को बाकी कोई बात अच्छी नहीं लगी, सबसे अच्छी बात यही लगी। अच्छा गाइस अब एक चीज और, प्लीज लेट मी फिनिश अप भाई। अब हम एग्जाम में एक पेपर, ये तो हो गया टाइम मैनेजमेंट स्कीम जो हमने सीख लिया, टाइम मैनेजमेंट स्कीम सीखिए बहुत जरूरी है। एक हम और गलती करते पेपर में, बहुत ज्यादा गलती करते, शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, डिबेंचर, पार्टनरशिप, वो किसकी शिप, पप्पू की शिप, ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म्स, याद रखना बच्चा इसको यूज मत करना, मैं बार बार कह रहा हूं, ये बार बार मैं गले फाड़ के बोलता हूं, शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करने, ठीक है। नेक्स्ट एक गलती और, हमें क्वेश्चन में आया गाइस सुनो, हमें क्वेश्चन में आया पार्टनरशिप के क्वेश्चन में, बड़ा जनरल एंट्री पास कर दे, सिर्फ जनरल एंट्री, एडमिशन का क्वेश्चन सिर्फ जनरल एंट्री आ गई, ऐसा भी आता है, बच्चा बेवकूफ, रीवैल्यूएशन बना रहा है, पार्टनर्स कैपिटल बना रहा है, बैलेंस शीट बना रहा है, फिर नीचे एंट्री कर रहा है, और तेरे को नंबर नहीं मिलने वाले भाई, यू विल नॉट गेट द मार्क्स फॉर रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट, एंट्रीज पास करो। हां आप पार्टनर्स कैपिटल की हेल्प ले सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल वर्किंग नोट में बना दो, आप मुझे बताओ अगर क्वेश्चन में सिर्फ एंट्रीज आ रही है बैलेंस शीट का तो कोई काम ही नहीं। व्हाई डू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, वी आर कमिटिंग दिस मिस्टेक, हम वहां पर ये गलती करते हैं, हम बैलेंस शीट बनाने लग जाते हैं, डोंट एवर डू दिस। एंट्रीज बोली है ना, सिर्फ एंट्रीज करो, पता है कहां पर बच्चा भरता है ऐसे डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में, एंट्री वाला क्वेश्चन होता है बच्चा कैश अकाउंट बना रहा होता है, उसके अंदर मेरा कैश अकाउंट मैच कर गया, खुशी खुशी आ गया, कोई नंबर नहीं मिलेगा तुझे, टाइम वेस्ट कर रहा तू भाई। अच्छा जितना पूछा है उतना ही करो। और एक बात और, हमें ना गंदी आदत पड़ जाती है, बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन जो होते हैं जब हम लोग पार्टनरशिप में करते हैं तो ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग शेयर कैपिटल के अंदर भी यही घुसा देते हैं, डोंट डू दिस। शेयर कैपिटल का फॉर्मेट दूसरा है, याद है शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट का फॉर्मेट वर्टिकल है, इट इज नॉट हॉरिजॉन्टल। तीसरी गलती जो हम बच्चे सारे पेपर में करते हैं, वी डोंट राइट डी आर एंड सी आर इन द लेजर ऑल्सो, दैट्स अ ब्लंडरस मिस्टेक, आपके मार्क्स जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं पंजाब बोर्ड में चलेगा, सीबीएसई वाले बच्चे अगर ये गलती कर रहे हैं, पंजाब बोर्ड में तो चलता है, उन लोग ना करे कोई बात नहीं, सीबीएसई वाले बच्चे ये डीआर लिखा ये सीआर लिखा, यहां पे रुपीस लिखना भी जरूरी है, फिर जाकर भी पर्टिकुलर्स ना लिखो कोई बात नहीं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। ये दो चीजें मैटर करती है सीबीएसई के अंदर, एक तो डेबिट और क्रेडिट का सिग्निफिकेशन, और एक आपके पास रुपीस लिखना जरूरी होता है। आई होप बच्चे इसको नोट कर रहे हैं क्योंकि ये भूल जाएगा बाहर जाते हैं। गाइस डीआरसीआर लिखना जरूरी है, रुपीस का सिंबल जरूरी है, और कुछ गधे या मैं चलो समझ जाऊं मतलब मैं कोई डकल लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, मुझे लग रहा है एक्चुअली इसको ज्यादा ही कुछ खुशी है पेपर की। सुनो कुछ ढक्कन लोग क्या करते हैं, यहां लिखा स्टॉक, दे डोंट राइट टू, मार्क्स कटेंगे, पंजाब बोर्ड में चलेगा, सीबीएसई में नहीं चलेगा, क्योंकि पंजाब बोर्ड में आप उनके जवाई हैं, सीबीएसई में नहीं, सीबीएसई में तो कसाई हैं, वो काट डालेंगे आपके मार्क्स। सो याद रखें भाई, यहां प्रॉपर्टी ऐसे लिखना है,
बच्चा सारे बच्चों को क्लियर है ये? अच्छा गाइस, बिफोर आई गो टू द लास्ट पॉइंट, आप मुझे बताओ किसी बच्चे को कोई और डाउट है? पक्का? हाँ जी, शॉर्ट फॉर्म से एप्लीकेशन जो यूज हो सकती है, जैसे ओल्डर शो, न्यू शो की ओर। बच्चा हाँ, आप ये कर सकते हो कि ओल्ड रेशो के बदले ओआर लिख दिया, न्यू रेशो के बदले, बेटा दो मिनट बैठना है क्लास खत्म नहीं, घबराना नहीं, ओल्ड रेशो ओआर न्यू रेशो एनआर, दैट्स फाइन, चलेगा, वो चलता है, जो लीगलाइज शॉर्ट फॉर्म में चलेगी, ठीक है। अब जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम ओए लिख देते थे, वो नहीं चलेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरा लिखना है। एक हमारे दीदी शॉर्ट फॉर्म वाले माहिर थे, दीदी प्लीज ऐसा नहीं करना, ठीक है, याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करने। बच्चा एनी मोर फर्दर क्वेश्चंस? अच्छा गाइस, बिफोर आई लीव, एक मेमोरी के लिए ना, आई वांट कि सारे बच्चों के साथ एक पिक्चर हो जाए, यादगार रहेगी भाई सारे बच्चों के साथ, फिर पता नहीं लोग कहां कहां कहां, ठीक है। सो बट एक चीज आपको और बता दूं बच्चा, एक ना ऐप पे थोड़ा सा एक्टिव रहना, नोटिफिकेशन आपको आएगी, पेपर्स डालूंगा, वो याद रखना।